ये देख सकते हैं आप, ये अंकल जी आके कर रहे हैं काम। तो ये 2 से 3 साल हो गए, ये हर साल ऐसा आके करते हैं। तो इनको एक बार मामा बोल देती है तो वो अपने हिसाब से आ जाते हैं और काम करके चले जाते हैं। ये अपनी पुसी कैट है, ये इसका हमारा कम घर है, इसका ज़्यादा घर है। ये अपने हिसाब से घर की मालकिन समझती है खुद को और ये अपने हिसाब से घूमती रहती है यहाँ पर। यहाँ पे गैस का चूल्हा था जिसका ये जो पूरा मतलब निशान रह गया, ये वाला देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्ली का चल रहा है अभी बदमाशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ अनिल की मस्ती पे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आके पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अभी आ गया हूँ छत पे और अभी हमारा क्या हो रहा है कि छत का काम हो रहा है। मैं आपको बोला था कि सर्दियाँ के टाइम पे, सर्दियाँ जब आएंगी, बारिश का मौसम ख़त्म होगा, उसके बाद काम होगा छत का। और छत खराब होके रखा था, हम देख रहे हैं 1-2 साल में इसका ग्रेडिंग का जो ऊपरी हिस्सा है छत का वो निकाल के एक नया ग्रेडिंग करेंगे, ताकि पानी जो जम रहा है बारिश के दिनों पे वो ज़्यादा जमे ना। तो ये देख सकते हैं आप, ये अंकल जी आके कर रहे हैं काम। तो ये 2 से 3 साल हो गए, ये हर साल ऐसा आके करते हैं। तो इनको एक बार मामा बोल देती है तो वो अपने हिसाब से आ जाते हैं और काम करके चले जाते हैं। और उनका भी जो मजदूरी है हम उनको दे देते हैं ठीक ठाक करके। ये देख सकते हैं, ये छत का ये पूरा कूड़ा कचरा जो भी था, ये देखिए ये कितना क्लीन हो गया है। पहले आप अगर मेरा जो पुराना वाला वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे कितना ये वाला ये जो हिस्सा है ना वो पूरा काला काला होके रखा था। ये जितना हो सके साफ कर दिया इन्होंने, ये पूरा एंटायर छत का कर दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, इसको भी पूरा यहाँ पे मिट्टी विट्टी पूरा लग के जब पानी देते हैं, जो मिट्टी होता है पानी के साथ कुछ बह के आ जाता है तो ये छाप छोड़ देता है अपना। तो इन्होंने ये भी साफ, ये यहाँ पे कुछ रखा था उसको इन्होंने साफ कर दिया, तो इस कदर कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया जगह। ये अपनी पुसी कैट है, ये इसका हमारा कम घर है, इसका ज़्यादा घर है। ये अपने हिसाब से घर की मालकिन समझती है खुद को और ये अपने हिसाब से घूमती रहती है यहाँ पे। कभी सीढ़ियों से आती है, कभी कहाँ से आती है पता नहीं, बिल्लियों का पता नहीं, यहाँ से वहाँ से कूद जाते हैं। देखिए जा रही है, वहाँ पे ना कुछ नहीं है, रोड है, रास्ता है। और एक देखिए, और एक मोहतरमा वहाँ पे सोई हुई है, ये देख सकते हैं। इसके पास जाएगी, उसको इसकी उसकी कुछ लड़ाई वड़ाई होगी। देखिए 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 कैसे करके चढ़ रही है, देखिए। मतलब ये खुद को अपने अपना घर ही समझ रहे हैं और कुछ नहीं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, वो जाएंगे हमारा जो आगे छोटा सा चौक है वहाँ पे सब ना जो सामान वामान है वो डालते हैं, बीएमसी वाले आके सुबह सुबह साफ कर देते हैं, वहाँ पे डाल के आएंगे या फिर डस्टबिन में डाल के आएंगे। ये सब मिट्टी वगैरह है, जितना जितना भी साफ करके झाड़ू करके मिट्टी वगैरह है, इसको एक बैग में पैक करके लेके जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ मिट्टियाँ हैं, ये देख सकते हैं। और आपको भी आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा हमने छत पे क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या मतलब छोटी सी जगह में ना, मामा का ऐसा भी तबीयत ठीक नहीं होता, जब भी होता है रहता है वो पूरा कर देती है, कुछ ना कुछ कर देती है। मैं अगले वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब जगह पर पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। यहाँ पर कुछ कुछ है, मैं बोल दूँगा अंकल को और थोड़ा सा झाड़ू मार दें। ये देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन कर दिया है पूरा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है छत अभी। यहाँ पे गैस का चूल्हा था जिसका ये जो पूरा मतलब निशान रह गया, ये वाला देख सकते हैं। इसको कबाड़ा में दिया जाएगा, जो कबाड़ी में दिया जाएगा इसको। और ये अपनी टंकी है और यहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम था, हमने टैप को ठीक कर दिया, नहीं तो नॉन स्टॉप पानी टपकता रहता था। और ये जगह भी पूरा गंदा हो चुका था, इसको भी काफ़ी हद तक जितना हो सके साफ कर दिया है। कुछ कुछ जो अभी नल को शायद खोला गया था तो थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था जो पाइप में, वो थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, वो 1-2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर
और ये देखिए फाइनली हमेशा हमेशा ऐसा चलता ही रहता है, फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह करते रहते हैं। मैं बोला था आपको कि मेरे घर के पास में ही एयरपोर्ट है, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे वो भुवनेश्वर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ओल्ड टाउन। तो ये देखिए अभी कोहरा कोहरा सा है, तो अभी साउंड सिर्फ सुनाई देगा, कुछ ही टाइम में ये भी बादलों में कहीं पे जाके खो जाएगा। ये देखिए ये बिल्ली का चल रहा है अभी बदमाशी, ये धूप खा रही है और अपनी जो टांग वांग उठा के ये चल रहा है। और इसको भी देखिए ये अजब है बुरा, इनका मतलब अलग लेवल का सीन है, सीन ही पूरा अलग लेवल का है इनका। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे, मुझे भूख भी लग रही है जोर शोर से, अभी 2 बजने के आसपास है, तो जाके लंच करते हैं। लंच में देखेंगे क्या बनाए मामा ने, मामा आज कुछ खास बना रही थी शायद, लग तो रहा था, स्मेल भी अच्छा खासा हो रहा था, मतलब खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रहा था खाने का। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं, तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं क्या बनाया देखते हैं। तो ये रहा ये आप लोगों के सामने आप जो देख रहे हैं, ये पुलाव है, वेज पुलाव बोल सकते हैं, फ्राइड राइस बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, पनीर की सब्जी है, खट्टा है, हम टमाटर का जो अचार है उसे खट्टा बोलते हैं, चीनी देके बनाते हैं, और फूल गोभी है और दाल है। यहाँ पे मेरे पास में बैठे हैं मिसेस नंदा और मेरे भाई दोनों बैठे हैं, और ये सब बिना प्याज लहसुन का है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मामा ने बनाया है। मैंने अब हम खाते हैं, खाना खा के देखते हैं, तो चलते हैं फिर कैसा लगता है क्या नहीं टेस्ट करके देखते हैं। मुझे जितना स्मेल से मतलब इसकी जो खुशबू से जितना पता चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया होगा। इसमें ग्रीन मटर को भी डाला गया है, तो दाल अभी वेज पुलाव में डालते हैं या फिर फ्राइड राइस जो भी बोल सकते हैं आप, उसमें डाल के अभी मुँह में डालते हैं। और देसी घी में बना हुआ है, इसकी खुशबू जो है ना वो पूरा मतलब मंत्रमुग्ध कर देगी आपको, बहुत ही बढ़िया है। और पनीर भी बहुत ही बढ़िया है, और गोभी जो फूल गोभी है वो भी मस्त है, और खट्टा भी बढ़िया है, टमाटर का जो अचार है वो भी मस्त है, दाल भी बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, पूरा थिक वाला दाल है पूरा और अलग ही लेवल। तो हमारा मस्त वाला लंच अभी ख़त्म हो गया, बहुत ही बढ़िया था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और ये सब बिना प्याज लहसुन का हुआ था और पूरा शुद्ध देसी घी में बना था सब कुछ। मतलब अगर कैमरा में जो खुशबू आती ना तो मैं आपको शायद खुशबू का एहसास करा सकता, अभी तक मतलब हाथ से मस्त वाला खुशबू आ रही है, क्योंकि देसी घी मम्मा हमारे जो हम गाय का जो दूध रखते हैं ना तो उसमें से मम्मा बना देती है, क्योंकि हम पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते, प्योर गाय का दूध मेरे दोस्त का एक मेरे भाई का दोस्त है वो आके दे देता है, तो उसमें से हमारा घी निकल जाता है पूरा रॉ मिल्क कच्चा दूध, उसमें से हमारा निकल जाता है घी, तो उस घी से पूरा मस्त वाला बनाया था। तो मैं आपको अभी छत का सीन दिखाता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है ये देखिए, ये वाला जगह पे था ना डस्ट, तो ये भी क्लियर हो गया है, यहाँ पे पूरा साफ सफाई हो गई है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी, मतलब ये तो मतलब 99% तक साफ कर दिया है, और जो है वो नॉर्मल ऐसे झाड़ू वाड़ू मारने से हो जाएगा सब साफ सफाई, पूरा जबरदस्त तरीके से साफ सफाई हो गया है। यहाँ पे वो जो अंकल थे जो साफ सफाई कर रहे थे वो हाथ पैर धोए, अभी मम्मा उन्हें खाना लगाई है, खाना खाएंगे, खाना खा के उनको जो उनकी मजदूरी है दे देंगे हम, उसके बाद वो निकल जाएंगे, 3-4 घंटे का काम था, ज़्यादा नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा मस्त तरीके से छत को पूरा क्लीन कर दिया गया है, पूरा मस्त तरीके से। वाह
उम्मीद है आपको ये छोटा सा मगर प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हुआ होगा। अगर लगा है तो बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आप तक आके पहुंच सके। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है तो तुरंत ही मेरे मन में आया कि व्लॉग बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये साफ़ सफाई करना है आगे जाके। तो फिर से देखिए, ये फिर से और एक प्लेन, ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। हर 10-15 मिनट में या 5-10 मिनट में एक एक प्लेन, कभी कभार तो 10 मिनट में 2-3 भी टेक ऑफ कर जाते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को, प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मम्मा ने क्या क्या लगाए हैं ऊपर छत के ऊपर, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कितना, मतलब हम कम जगह पे कैसे कैसे क्या क्या करके सब कर रहे हैं वो दिखाऊंगा आपको, बहुत खुशी होगी देख के और जान के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट प्यारे वाले ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और दिल थाम के बैठिए और कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय जगन्नाथ।